एक हमारे सबसे बड़ा क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र से साथी कई जिले आते हैं। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन आपने सुना होगा, हमारे पत्रकार साथी तो ज़्यादातर मामले को लेकर आते रहते हैं और सांसद महोदय के आपने पहल भी देखती रहते होंगे कि उनका सिर्फ पहल सिर्फ सोशल मीडिया तक रहा है और आम जनमानस जो शोषित पीड़ित किसान हैं उन पीड़ित किसानों को अभी तक उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। रोजगार, विस्थापन और आपके एक और विषय है, तीन चार बिंदु पर ऐसे और मुआवजा, हाँ बेशक मुआवजा, ये तीन बिंदु हैं और इन तीन बिंदुओं पर रोजगार का सबसे बड़ा विषय कि रेलवे ने एक वादे किए थे कि हम एक इंच भी जमीन अगर किसी भी किसान की फंसेगी तो हम उसे रोजगार उपलब्ध कराएंगे और उसने अपने ही वादों से मुकर करके आधे किसानों को दिया, आधे किसानों को वंचित करके समाज में एक तनाव का माहौल पैदा कर दिया है और ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं कि उनकी ज़मीनें चली गईं और तरह तरह से ये आज भी भटक रहे अपने। दूसरा विषय कि हमारे बहरी क्षेत्र में तो पूर्ण तरीके से भेदभाव किया गया है, बहरी क्षेत्र के किसानों के साथ तो ऐसा भेदभाव कि इनके घर तक का मूल्यांकन नहीं किया गया, इनकी सारी योजनाएँ छीन ली गई हैं, आधे अधूरे तरीके से आपने दे दिया और काम लगा दिया, कैसे लगा सकते हैं भाई? इसके जिम्मेदार राजस्व अधिकारी थे, हम तो राजस्व अधिकारियों से बात करेंगे, हम रेलवे वालों को जानते ही नहीं। भैया ऐसा है कि जब तक आपके जो वादे किए थे, जो आपने काम किए थे, अगर आपके द्वारा अगर वो मांगे पूर्ण नहीं की जाती तो आगामी समय में रेलवे का काम किसी भी हालात में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आपने किसानों की जमीन ली, घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, उनका मुआवजा भी नहीं दे रहे, रोजगार भी नहीं दे रहे, सारी चीज़ें छीन रहे, ताना सही नहीं चलेगी। नहीं, अगर हम कहें कि क्षेत्रीय यहाँ के क्षेत्रीय सांसद भी रही हैं, आप कह रहे हैं कि बहरी जिस तरह से अछूता रेलवे में किया जा रहा है, क्या कहेंगे सिंगरौली, मैंने देखा सिंगरौली में मिल गया है, मैंने देखा कि बहरी क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही भेदभाव, गोपत के किनारे से आप ले लेंगे, गोपन नदी के किनारे से, तो बहरी क्षेत्र का एनी हाउ के जितने किसान भी फंसे हुए हैं उन किसानों की सारी एकदम भेदभाव तरीके से कि आप बहरी और गोपत बनास रामपुर चुराहट उधर का छोड़ दे, गोपत बनास का, इधर के किसानों को आपने बताया ना कि उनका घर भी ले लिए, उनकी जमीनें जो सिंचित थी वो जमीनों को असिंचित कर दिया गया, उसका मुआवजा नहीं दिया गया, ये क्या है? रेलवे केंद्र का प्रोजेक्ट है और केंद्र के प्रोजेक्ट में हमें ये लगता है कि ये राजस्व के अधिकारी मिली भगत है कि इनका सबका है, बजट आता है पैसा तो ये अपने जेब में डाल लेते हैं, भेदभाव है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा और इससे अब किसान आक्रोशित है। एक डेमो है, आज हम एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना आज ज्ञापन देंगे, मेरी अनुभागी दंडाधिकारी महोदय से कल बात हुई थी, फोन पर भी बात हुई, यहाँ के हम मौजूदा प्रशासन से बातें हुई, मैंने अपना शांति का परिचय देने के साथ ही आज मैं एक ज्ञापन पत्र के रूप में दूंगा, लेकिन आगामी समय में एक बता दूं कि इसके लिए विशाल आंदोलन होगा और इसके लिए आमरण अनशन भी बैठना पड़े मुख्यालय में, तालाबंदी करनी, एनी हाउ कि हम हर प्रकार से आंदोलन करें आर या पार, लेकिन हम किसी भी हालात में किसानों के साथ ये बर्बरता किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, अब शिवसेना द्वारा यहाँ जिला तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कहेंगे किस मार्ग किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया? रेलवे के अंतर्गत ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन बन रही है, उसमें से काफ़ी कुछ वर्जन के प्रकरणों का जो अवार्ड पारित है उसमें से मैक्सिमम अवार्ड करीब 70% भुगतान हुआ है, कुछ जांच के अधीन है, कुछ और भुगतान करना जो सम्मिलित ठाकुर है, उसके लिए हमने जो 3,85,00,000 रुपये भेजा है शेष हम बहुत जल्दी इसको भुगतान करें। सर, आपके आने के पहले जो यहाँ अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने जनता के साथ गोलमाल किया है, क्या लगता है किस बार मैं किसी बार नहीं, इस बार क्या इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, हम बता दे रहे हैं ना, पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं जानकारी है, हमारे पास जो भी आवेदन आएगा वो छानबीन विचार करके हमें रखेंगे।